अरे 4 लाख 5 लाख कॉपी जो है 3 महीना 4 महीना लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा चेक करने में, बताइए, और रिजल्ट देने में। सबसे अच्छा तो बिहार बोर्ड है कि 2 महीना के अंदर में 45 दिन के अंदर में रिजल्ट को घोषित कर देता है, बताइए। तो ये ना अच्छा हुआ कि आप अच्छा हुए, बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिजल्ट को घोषित कर दीजिए, क्योंकि सेशन भी एक तो पार्ट थर्ड वाला जो है 19 से 22 वाला एक साल बैक हो। हेलो, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी, मैं रमजान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट सेशन 21 से 24 के पार्ट वन के छात्र एवं छात्राएं, और सेशन 19 से 22 के पार्ट थर्ड के एवं छात्राएं, और सेशन 20 से 23 के पार्ट टू के छात्र एवं छात्राएं, इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा। मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, और कॉपी कब चेक होगा, पार्ट टू फॉर्म कब से भराया जाएगा, और यानी एग्जाम कब से होगा, पार्ट थ्री का रिजल्ट कब आएगा, पार्ट वन का रिजल्ट कब आएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि हालांकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बहुत भी बना चुका हूँ और अदर चैनल वाले भी बना चुके हैं, लेकिन 4-5 दिन हो गया है इससे लेकर के अपडेट दिए हुए, तो हमने सोचा कि आप लोग को एक हम अपडेट देते हैं। जैसा कि बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आया है अभी पार्ट थर्ड के लिए, क्या आया था अपडेट, कि 2 पालियों में कॉपी चेक किया जाएगा, सेशन 19 से 22 वाला पार्ट थर्ड का 2 पालियों में कॉपी चेक किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट जो है अप्रैल में घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि मार्च में आने वाला था, लेकिन अब तक की जाँच शुरू नहीं हुआ था, जिसके कारण मार्च में नहीं आ पा रहा है, तो रिजल्ट जो है अप्रैल में आएगा। सेशन 21 से 24 के पार्ट वन की बात करें रिजल्ट का, तो रिजल्ट आप लोग का मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का मार्च के लास्ट तक के जो है रिजल्ट आने की संभावना, मार्च में आ जाएगा, अप्रैल नहीं होगा, मार्च में ही आएगा, ठीक है। और पार्ट टू की बात करें, और इसका फॉर्म कब भराएगा, यानी 21 से 24 वाला पार्ट टू का, तब रिजल्ट आएगा, उसके बाद सोचा जाएगा, पहले जो एग्जाम है पार्ट टू वाला, जैसे 20 से 23 वाला, उसको ले लिया जाएगा, उसके बाद तब आप लोग का एग्जाम होगा। यू कह लीजिए कि जून जुलाई में आप लोग का एग्जाम होगा पार्ट टू वाला, ठीक है। लेकिन 20 से 23 वाला पार्ट टू का एग्जाम, जैसा कि फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जो एग्जाम में लेट हो रही है, नहीं तो मार्च में ही हो जाता लास्ट में, तो अप्रैल में होगा एग्जाम, यानी कि सेशन 20 से 23 वाला का एग्जाम और पार्ट टू प्रमोटेड 19 से 22 वाला का, दोनों का एक ही साथ होगा, अप्रैल में होगा, और बहुत ही जल्द ही रूटीन भी आ जाएगा, परीक्षा शेड्यूल आ जाएगा, तो घबराइए नहीं। और रिजल्ट की बात करें पार्ट थर्ड वाला 19 से 22 वाला, तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, यू कह लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे, देखिए कि जैसे बिहार यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार बोर्ड में मैट्रिक इंटर का जब एग्ज़ाम होता है तो लाखों कॉपियाँ होता है, 20 लाख 30 लाख ऐसे होता है, उसका रिजल्ट जो है 2 महीना के अंदर में, 45 दिन के अंदर में, 40 दिन के अंदर में रिजल्ट घोषित हो जाता है, कॉपी भी चेक हो जाता है। लेकिन यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में 6 महीना भी हो जाता है, फिर भी कॉपी सही से नहीं चेक हो पाता है, तो ये सब किसके लापरवाही से, सब जो है ना, ये बिहार यूनिवर्सिटी का लापरवाही है, टीचर लोगों का और परीक्षा नियंत्रक महोदय जी, है ना, ये इन लोगों का जो है ना लापरवाही है। नहीं तो 3 महीना बहुत काफ़ी हो गया, 2 महीना बहुत काफ़ी हो गया, अरे 4 लाख 5 लाख कॉपी जो है 3 महीना 4 महीना लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा चेक करने में, बताइए, और रिजल्ट देने में। सबसे अच्छा तो बिहार बोर्ड है कि 2 महीना के अंदर में 45 दिन के अंदर में रिजल्ट को घोषित कर देता है, बताइए। तो ये ना अच्छा हुआ कि आप अच्छा हुए, बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिजल्ट को घोषित कर दीजिए, क्योंकि सेशन भी एक तो पार्ट थर्ड वाला जो है 19 से 22 वाला एक साल बैक हो गया, और बीएड भी का फॉर्म भी नहीं भर पाए बच्चे लोग। चलिए, ये आपका लापरवाही है, इसके लिए तो आपको दास देना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इस तरीके से करने के लिए विद्यार्थियों के साथ। और आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी समझ ही गए होंगे, ठीक है, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और किसी भी तरीके का अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे।